कार्यक्रम जो शिविर लगा हुआ 29 से 12 अक्टूबर तक, इस शिविर में कितना जांच हुआ इसके बारे में बताइए। टोटल पेशेंट अब तक हम देखे हैं, कल का मेरा रिपोर्टिंग है, 83 आया है। और इसमें है कि हृदयघात से संबंधित जो समस्याएं हैं, आज के समय में जो दूषित वातावरण है, खान पान सही नहीं है, इसके वजह से जो ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो उनको हम लोग जो है इस बार शिविर लगा के हम जागरूक किए हैं। हमारे यहाँ आए हुए जितने भी बुजुर्ग पेशेंट हैं, या जो हाइपरटेंशन यानी कि जो बीपी का है, वो डायबिटीज पेशेंट, जो बहुत पुराना है या नए हैं, अभी कोई उम्र सीमा नहीं है। बीपी बढ़ता कैसे? हाँ, बीपी बढ़ता है जैसे कि खान पान और उसका जो, जैसे कि आप मदरापान तंबाकू आप करते हैं, या आप मीट मछली मुर्गा अंडा खाते हैं, माने कहने का मतलब है जो इस टाइप का जो भोजन है वो हम समझते हैं कि 35 से ऊपर वाले आदमी को मतलब सीमित कर देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आप मदरा पान करते हैं, तंबाकू करते हैं, नशा का जो चीज़ लेते हैं, उससे भी आपका रक्तचाप बढ़ता है, हृदयाघात का आप समझते हैं ना, कि जब आपका अक्सर देख रहे हैं कि खूब फिटनेस है इंसान में, वो क्या करते हैं, रोज़ योगा भी कर रहे हैं, बहुत तरह का है कि अपने सेहत पर ध्यान देते हैं, लेकिन खान पान जो है सही नहीं होने के कारण, कोई ज़रूरी नहीं कि योगा कर रहे हैं तो हम खान पान सही ही ले रहे हैं, उनका भी दिनचर्या गलत सलत होता है, जिसके हार्ट अटैक का आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपको 40-45 के भी उम्र में लोग हार्ट अटैक से, ये भी इस बीमारी से अपना जीवन को मतलब बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस बीमारी से बचने के लिए आप संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, और अपना खान पान, सबसे बड़ी बात है कि पौष्टिक आहार लें। खान पान में मेरा मानना है कि दाल का प्रयोग प्रतिदिन करनी चाहिए, जो कि अभी के देखते हैं लेडीज हो या जेंट्स हो, दाल खाना छोड़ दिए हैं, बिल्कुल सब्जी पर उतर गए हैं, और वो क्या है कि उसमें आपका जो मसाला है उसका व्यवहार लोग ज़्यादा करने लगे हैं। तो दाल क्या है कि आपका प्रोटीन है, उसमें अभी दूध का जो है महंगाई भी बढ़ गया है, तो इस तरह आप दाल का सेवन करिए, हरा साग सब्जी खाइए। और मेरे समझ से है कि आप 15 दिन में जो मांसाहारी हैं खाना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो सप्ताह 15 दिन में, एक महीने में 1-2 पीस आप खा सकते हैं, लेकिन उनका आहार जो है 5 पीस 10 पीस इस तरह से नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इस बीच बीच में अपना आदमी को स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, जैसे रक्तचाप का आप आके यहाँ जांच कराइए मेरे शिविर में, डायबिटीज का जांच हम लोग फ्री में करते हैं, उसका दवाई देते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्राइब करते हैं दवा कि इनको ये दवा चाहिए, तो हम लोग बीपी का दवाई रखे हुए हैं, डायबिटीज का दवा देते हैं, उनको खान पान के बारे में समझाते हैं, और उनको हमेशा कहते हैं कि भाई महीने में आप 2 बार आके चेकअप कराते रहिए। इससे क्या होता है कि आप अपने बीमारी, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होता है, यदि कोई बीमारी निकल जाता है उसका तुरंत इलाज का हम लोग करवाते हैं। अब जैसे कि वजन, हम लोग हाइट, ये क्या कहते हैं, वेट भी लेते हैं, वजन भी उनका नापते हैं। इंसान का वेट कितना होना चाहिए? आपका इंसान का वेट होना चाहिए कि जितना कि जितना फिट होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई 5 फीट का है तो वो 50 केजी का होना चाहिए। तो ये एक सामान्य एवरेज है जिसको कि लोगों को अपना वजन नाप के और उसी तरह का आहार लेना चाहिए, उसी तरह से ध्यान देना चाहिए। अगर 50 से लोग 10 किलो 5 किलो ओवर आ जा रहा है तो उसको नॉर्मल करना चाहिए। जिसका उम्र 50 वर्ष है जी, इसका वजन कितना होना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए? देखिए, जो 50 का उम्र है तो मेरा समस्या, हाँ मेरा कहना है कि जिनका आपका वजन और उसका हाइट, तो हम लोग ये देखते हैं कि हाइट कितना है उसका, हम फिर से बता रहे हैं कि किसी का हाइट आपका 5 फीट से ऊपर जा रहा है, तो अगर वो 50 का भी उम्र का है लेकिन उनको 50 केजी की होना चाहिए, आप समझ गए ना, तो वो हमेशा क्या होता है कि आपका हाइट के हिसाब से वजन होनी चाहिए। आप अपना हाइट नपवाइए और उसी को वजन के हिसाब से अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अच्छा, एक फिर देख रहे हैं शिविर, वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर जी, 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चल रहा है, इसमें क्या बोला, कितना अभी तक जांच हुआ है? अभी तक हमको लगता है कि 109 हम लोग देख चुके हैं,
जांच क्या करते हैं आप? जांच में जैसे कोई भी बुजुर्ग मेरे यहाँ आ रहे हैं, अभी शिविर लगा हुआ है तो आ ही रहे हैं, तो 109 आए, तो 109 आए तो हम उनका पहला नंबर है कि उनका वेट लेते हैं, उनका बीपी लेते हैं और उनका शुगर का जांच करते हैं। यदि शुगर का जांच में आ गया, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तब हम उनको खाने पीने से कि चावल न खाइए, आलू न खाइए, चाय नहीं पीजिए, मिठाई नहीं खाइए, और अभी का त्यौहार है, लोग मानते ही नहीं, खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ हम बताते हैं कि आप अगर आप डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं या उसका लेवल बढ़ा हुआ उसको घटाना चाहते हैं तो इस तरह का खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। तो इसलिए मीठा चीज़ वर्जित करा देते हैं, मीट मछली अंडा तो खाना ही नहीं है, चावल भी नहीं खाना है, संतुलित आहार खाना है। बुढ़ा लोग जो है जी, जिसको 60-70 वर्ष, क्या खाना चाहिए? अब उनका आहार यही है कि जैसे कि बुजुर्ग हो गए हैं, तो बुजुर्ग हो गए हैं तो पहले तो उनका अपना सेहत का जांच करानी चाहिए कि उनको जो है क्या स्वस्थ हैं या अस्वस्थ रहते हैं। तो अगर स्वस्थ रहते हैं तो उनका एक तरह से है कि वह संतुलित आहार लेते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप बाबा क्या खा रहे हो, कैसे आप स्वस्थ हैं, तो बताते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं अकड़ा हुआ चना मूंग खाते हैं, गुड़ थोड़ा सा लेते हैं, दाल का सेवन करते हैं, हरा पत्ती, तो उनका एक फिटनेस देखते हैं कि वो सही सलामत रहते हैं। लेकिन जो इंसान बुजुर्ग भी हैं लेकिन खान पान वो एकदम धड़ल्ले से कम उम्र के हिसाब से करते हैं तो उनका सेहत गड़बड़ा जाता है, उनको बहुत तरह का बीमारी हो जाता है। अभी क्या बुजुर्ग होते हैं उनको दांत का परेशानी होता है, दांत हिलता है, टूटता है, अब क्या होता है कि डायबिटीज है, आँख का परेशानी आ जाता है, आँख से धुंधला दिखता है, कभी कभी मोतियाबिंद हो जाता है। तो बहुत सारा जो है बुजुर्गों का बहुत सारे समस्याएँ हैं जिसको कि हम लोग अपने स्तर से, हमारा विभाग, हमारी सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। क्या खाना चाहिए, खाना परहेज क्या करना चाहिए? देखिए परहेज में क्या करना है कि उनको तो मानसिक ये कहते हैं मीट मछली तो खाना ही नहीं चाहिए। उनको है कि सुबह का सत्तू ले लें, सत्तू घोल के सुपाच्य होता है, गैस भी नहीं बनता है, और खाना में है कि चना मूंग खाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, हरा सब्जी, दाल, दलिया, इस तरह का खान पान वो खाएँ। यानी संतुलित आहार जो है, आप पैसे वाले हैं या आपके भगवान बहुत कुछ दिए हैं तो आप अपना थोड़ा सा फल उल भी खाइए, दूध खाइए, तो इस दूध भी खाना है इस उम्र में तो छाली हटा के खाना है, दाल भी खाना है तो दाल का पानी लेना है, सुबह के समय में आप दाल का पानी 2 कप ले लीजिए, हल्का नमक के साथ बनाइए खाना, नमक तेज नहीं खाना है, दाल नहीं खाना। दाल इसलिए नहीं खाते हैं कि बहुत को गैस हो जाता है, नहीं खा पाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं पचता है। कौन दाल खाना चाहिए ऐसे? तो देखिए दाल हम सभी बोलते हैं, लेकिन मूंग का दाल सबसे बेस्ट होता है। मूंग का दाल आप खाइए, मसूर भी खा सकते हैं, अरहर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर मिला के खाएं 2-3 दाल तो ज्यादा बेस्ट है, फायदा करता है, बहुत फायदा करता है। चलिए मैडम फिर बात करेंगे, 14 तारीख जो समापन होगा इस पर फिर हम बात करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार।